गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान, आज से शुरू होगा दिल्ली में रायसीना डायलॉग। 13 देशों के विदेश मंत्रियों से होगी वार्ता। रूस, ईरान और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के 13 देशों के विदेश मंत्रियों की मेजबानी रायसीना डायलॉग में करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। आज से 16 जनवरी तक दिल्ली में होगा रायसीना डायलॉग। मानवाधिकार आयोग की टीम आज जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का करेगी दौरा। घायल छात्रों से बयान लेगी टीम। 15 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जामिया में प्रदर्शन से भड़की थी हिंसा। निर्भया केस में दोषियों की क्यूरेटिव याचिका पर आज विचार करेगी सुप्रीम कोर्ट। 4 में से 2 दोषियों ने मौत की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की है क्यूरेटिव पिटीशन। मगध क्षेत्र पर बीजेपी की नजर। सीए के समर्थन में आज गया में योगी आदित्यनाथ की जनसभा। विधायक, विधान पार्षद, सांसद और बिहार सरकार के भाजपा के मंत्री नुक्कड़ सभा एवं जनसंपर्क अभियान के जरिए लोगों को सभा में आने का दे रहे निमंत्रण। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। दरियागंज हिंसा मामला में आरोपी है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर। दिल्ली की 30,000 कोर्ट में दायर की है जमानत याचिका। दिल्ली इलेक्शन 2020 के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज हो सकती है जारी। बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 18 जनवरी तक आने की उम्मीद। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 24 जनवरी। पीएम मोदी, अमित शाह के साथ कलाकार भी करेंगे बीजेपी के लिए प्रचार। दिल्ली के चुनावी अखाड़े में भाजपा के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार करते आएंगे नजर। मतदाताओं को लुभाने के लिए भोजपुरी व अन्य कलाकार भी प्रचार में आएंगे दिल्ली। देहरादून में 2 साल से उलझा अतिथि शिक्षकों का मसला जल्द सुलझने के आसार बने। अतिथि शिक्षक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 7,000 शिक्षकों की कमी से जूझ रहे सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को मिल सकती है बड़ी राहत। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच महामुकाबला आज। ऑस्ट्रेलिया टीम 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए पहुंची भारत। मुंबई के मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।